नमस्ते। आज आपको बता रहा हूँ लंका शहर बॉलर। लंका शहर बॉलर ये क्या रहता है, ये हॉरिजेंटल बॉलर रहता है, ये फाइव ट्यूब बॉलर रहता है। तो मैं आज आपको इसके पूरे बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो इसके ऊपर कौन कौन सी माउंटिंग्स लग रहती है, कौन कौन सी एसेसरीज रहती है, उनका क्या काम रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल पूरा समझाऊंगा। तो ये लंका शहर वाला रहता है, ये फाइव ट्यूब वाला रहता है। तो फाइव ट्यूब का क्या मतलब रहता है और वाटर ट्यूब का क्या मतलब रहता है? फाइव ट्यूब का मतलब रहता है जो हॉट गैसेस रहती है, फ्लू गैसेस रहती है ना, देखो ये हॉट गैसेस और फ्लू गैसेस जो रहती है वो ट्यूब के अंदर रहती है और सराउंडिंग इसके अंदर पानी रहता है, तो ये फायर ट्यूब बॉलर रहता है। वाटर ट्यूब बॉलर क्या रहता है, पानी ट्यूब के अंदर रहता है और सराउंडिंग हॉट गैसेस रहती है, तो ये फायर ट्यूब बॉलर कहलाता है। तो ये वाला बॉलर है, ये फायर ट्यूब बॉलर है। अब जो लंका शायर बॉलर रहता है उसका जो डायमीटर रहता है 2 से 3 मीटर तक डायमीटर रहता है और लंबाई 8 से 10 मीटर तक रहती है, काफ़ी बड़ी रहती है। ठीक है, अब जो लंका शहर वाला रहता है इसके अंदर जो सेटिंग रहती है वो ईंटों की बनाई दी जाती है, ईंटों की रहती है, फायर ब्रिक्स रहती है, उस सेल को उसके अंदर रख दिया जाता है। अब जो सेटिंग बनाते हैं उसके अंदर जो फ्लू गैसेस है ना, हॉट गैसेस का सर्कुलेशन बताया गया है, जितनी ज़्यादा हॉट गैसेस सर्कुलेट होगी उतना ही अच्छा स्टीम बनेगी इसके अंदर, और उनको ज़्यादा समय भी बनता है हॉट गैसेस को इधर उधर ट्रेवल होने में। तो ये काफ़ी अच्छा बॉलर, काफ़ी आपको इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा जब इसकी मैं आपको वर्किंग बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बताया, तो अब मैं आपको इसकी माउंटिंग्स बताता हूँ। माउंटिंग्स क्या रहती है, इसकी जो बॉलर रहते हैं उसकी जो माउंटिंग्स रहती है सेफ्टी के लिए रहती है, जितनी सारी माउंटिंग्स लगी रहती है बॉलर की सेफ्टी के लिए रहती है। इसके अंदर एसेसरीज लगी रहती है वो इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाती है। वो किस तरीके से बढ़ाएगी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको माउंटिंग्स बताता हूँ, माउंटिंग्स कौन कौन सी रहती है इसी के ऊपर लिख भी रही है। सबसे मेन रहता है सेफ्टी वाल्व, आपको ये दिख रहा है, ये सेफ्टी वाल्व रहता है। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, एक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। ऐसे कुकर देखा होगा अपना, कुकर रहता है, एक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। दूसरा, इसके अंदर डेड वेट सेफ्टी वाल्व रहता है, भाई दबे सेफ्टी वाल्व ना खुलता तो एक प्रेशर से ज़्यादा और प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा तो डेड वेट सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। जितने बड़े बड़े बॉलर रहते हैं उनमें सेफ्टी प्रिकॉशन अच्छे से लगा दिए जाते हैं। इसके बाद रहता है एक मेन होल, मेन होल क्या करता है एंट्री के लिए, जब इसकी साफ़ सफाई करना रहता है, सेल की साफ़ सफाई करना रहता है, गंदगी को निकाल रहता है, तो इंसान इसके अंदर जाता है, साफ़ सफाई करता है और वापस आता है, उसको फिर वापस सील कर देता है जब साफ़ सफाई करने जाता है। तो ये तो एंट्री के लिए होता है मेन होल। ये रहता है मड होल, जब जो इस क्योंकि काफ़ी बड़े रहते हैं ना तो इसको गंदगी कचरे निकाल के लिए इससे बाहर फेंक देते हैं, ये मड होल रहता है, ये मेन होल रहता है, ये मड होल रहता है। इसके बाद आपका आएगा स्टीम गेज, इसके अंदर जो प्रेशर गेज रहता है, यहाँ प्रेशर गेज लगा रहता है। इस प्रेशर गेज से क्या करते हैं, बॉलर के अंदर कितनी स्टीम जनरेट हो गई वो प्रेशर गेज इसके अंदर लगा रहता है, कितने प्रेशर जनरेट हो गई। ये देख आपको जो दो दिख रहा है ये वाटर लेवल इंडिकेटर रहते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करते हैं, इसके अंदर पानी के लेवल को देखने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इसमें दो लग रहे हैं, ये रहता है आपका फीड चेक वाल्व। जैसे वाटर लेवल कम हो जाता है तो फीड चेक वाल्व क्या करता है, ऑटोमेटिक पानी को भर देता है, जैसे लेवल बराबर हो जाता है तो बंद कर देता है। तो फीड चेक वाल्व क्या करता है, नॉन रिटर्न वाल्व रहता है, एक तरफ ही पानी को जाने देता है, दूसरी तरफ पानी को वापस नहीं आने देता है। ये वाली रहती है, ये ग्रेट रहती है, ये फर्नेस रहती है, ये ट्यूब्स रहती है, इसके अंदर ये ग्रेट रहती है, जाली रहती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। ये क्या करती है, इसी के ऊपर कोयले को रखते हैं और कोयले को जलाते हैं। जलाने के बाद जो राख रहती है, तो इसका जो शेप इस तरीके से रखा है, जलाने के बाद जो राख निकलती है इसको हम जैसे इसको खींचेंगे तो राख भी इसके साथ बाहर निकल आती है। तो ये इसकी बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है। ये रहते हैं रेगुलेटिंग डोर जो इसके अंदर एयर को जाने के लिए रहते हैं। इसके बाद आपको इधर आओगे तो ये इसके ऊपर डैम्पर लगे रहते हैं, ये आपको ये देख रहा है, और डैम्पर रहते हैं, ये काउंटर बेड रहता है, इनका मैं बताऊंगा कि क्या यूज रहता है। तो इसके बाद जब इसके अंदर स्टीम बन जाती है तो स्टीम स्टोव वाल्व की सहायता से स्टीम को टरबाइनों पर भिजा दिया जाता है या स्टीम इंजन में भिजा दिया, जहाँ पर स्टीम की ज़रूरत रहती है वहाँ पर भिजा दिया जाता है। तो आपने देखा डेड वेट सेफ्टी वाल्व, मेन होल एंट्री के लिए, ठीक है, मड होल गंदगी वाले को साफ करने के लिए, स्टीम गेज एंड प्रेशर गेज रहता है प्रेशर चेक करने के लिए, वाटर लेवल इंडिकेटर पानी के लेवल को चेक करने के लिए, ग्रेटिंग माने जो उसको अंदर जो कोयले को रखने के लिए, फीड चेक वाल्व जैसे वाटर लेवल कम होता है तो फीड चेक वाल्व पानी को भर देता है और इसकी सप्लाई को बराबर कर देता है, एयर रेगुलेटिंग डोर, डैम्पर, काउंटर वेट, चिमनी, स्टीम स्टोव वाल्व, ये मेन माउंटिंग्स रहती है। इसके अंदर एक और बहुत अच्छी माउंटिंग्स रहती है, वो रहता है फ्यूजिबल प्लग, ये यहाँ पर लगा दी जाती है फर्नेस के ऊपर। फ्यूजिबल
फ्यूजिबल प्लग का क्या काम रहता है भाई, दो वाटर लेवल कम हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो वो एक टेम्परेचर पर फ्यूजिबल प्लग पिघल जाता है और जितना इसके अंदर पानी बचा है वो फर्नेस के ऊपर गिर जाता है और उस आग को बुझा देता है। ये माउंटिंग्स के। अब इसके अंदर एसेसरीज, एसेसरीज कौन कौन सी मैंने आपको बताया, एयर प्रीटर, इसके अंदर जो हवा आ रही है उसको पहले से ही गर्म करके भिजाते हैं, तो गर्म हवा जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गर्म होने में, तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी। इसके अंदर एक इकोनोमाइजर लगा दिया जाता है, इसके अंदर जो पानी आ रहा है ऊपर से टंकी से पानी आता है तो पहले ही गर्म करके पानी भिजाते हैं, यदि ठंडा पानी आएगा तो गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन गर्म पानी हो आएगा तो जल्दी से स्टीम बन जाएगी और फिर ये अच्छे से वर्क करेगा। और इसके बाद रहता है सुपर हीटर। अब इसके अंदर जो स्टीम तो बन गई है, स्टीम इसके अंदर इकट्ठी है, अब स्टीम के अंदर कुछ सेचुरेटेड स्टीम रहती है, कुछ क्वांटिटी में उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए सुपर हीटर लगा दिया जाता है। सुपर हीटर क्या करता है, सेचुरेटेड स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल प्योर स्टीम रहती है, उसमें कोई कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, और फिर उसको हम स्टीम इंजन, स्टीम टर्बाइन या फिर इंडस्ट्रियल कहाँ यहाँ भी यूज हो वहाँ पर इसको भेज देते हैं। तो ये माउंटिंग्स और एसेसरीज हो गई। अब इसकी वर्किंग बताता हूँ, वर्किंग आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैंने आपके लिए ये पूरा सेटअप बनाया क्योंकि इधर से उधर घुमाने में टाइम नहीं लगता, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अब इसकी वर्किंग, वर्किंग में आपको लकड़ी और कोयले को यहाँ पर जलाना है, जलाने के बाद जो हॉट गैसेस बनती है वो कहाँ जाएगी, तो इसमें हॉट गैसेस का सर्कुलेशन बताया वो काफ़ी अच्छा है। तो जलने के बाद देखो हॉट गैसेस इधर बनी आपको इधर, फिर कहाँ जाएंगी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा पैक है, देखो पूरा पैक है, तो हॉट गैसेस कहाँ जाएगी, तो मैं इसको पूरा खोलता भी हूँ, खोलने से आपको पूरा अच्छे से समझ में जाएगा। देखो ये हॉट गैसेस आई कहाँ आएंगी, देखो इधर से आई तो इसके अंदर चारों तरफ पानी भरा रहता है, लेकिन पानी पूरा नहीं रहता, सेल के अंदर एक वाटर स्पेस रहता है, एक स्टीम स्पेस रहता है, इतनी मात्रा में पानी इसके चारों तरफ भरा रहता है। जब पानी गर्म होगा स्टीम बनेगी, स्टीम इसके ऊपर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो फ्लू गैसेस आई, हॉट गैसेस आई कहाँ आई, इसके अंदर आई, लेकिन ये पूरा कवर्ड रहता है, तो कवर होने के बाद इसके अंदर आएंगी, फिर नीचे जाएंगी, देखो नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगी, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर ये इधर आएंगी, फिर नीचे जाएंगी, नीचे जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगी और फिर किधर वापस आएंगी, तो ये सेंटर से आई नीचे गई, नीचे आने के बाद देखो आपको मैं इधर उसको भी खोल के बताता हूँ क्योंकि ये पूरा खुला बंद है। तो सेंटर से गई नीचे आई, नीचे आपको दिख रहा है, इधर से आएंगी तो नीचे वाले पानी को गर्म करेंगी, स्टीम बनेगा, स्टीम ऊपर आ जाएगी। अब वो हॉट गैसेस कहाँ जाएंगी, पहले सेंटर से गई नीचे से आई, अब आपको कहीं कुछ दिख रहा है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो साइड दिख रहा हूँ, ये हॉट गैसेस साइड से जाएंगी, ये पूरा बंद रहता है, नीचे से आएंगी, लेकिन उनको जाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, साइडों से आएंगी, देखो साइड से आएंगी, साइड से आने के बाद कहाँ आएंगी, देखो ये इन साइडों से आएंगी, साइडों से आने के बाद यहाँ पर देखो ये इधर से निकलेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, डैम्पर लगा दिया जाता है, देखो रहा है आपको डैम्पर, डैम्पर का क्या काम रहता है, जो हॉट गैसेस रहती है सडनली बाहर निकल जाए, तो हॉट गैसेस को कंट्रोल करते हैं, इतना खोलेंगे इतनी मात्रा में हॉट गैसेस फ्लू गैसेस चिमनी में जाएगी, इस तरह दोनों तरफ लगा दिया जाता है और फिर इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है, जो हॉट गैसेस रहेगी चिमनी के थ्रू ये बाहर निकल जाएगी। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू या वाइवा में, तो हॉट गैसेस कहाँ से आएगी, सबसे पहले सेंटर से आती है, देखो सेंटर सेंटर से आएगी, बॉटम में जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे वाले पानी को गर्म करेंगी, फिर उधर जाएंगी, फिर साइड से निकलते हुए इसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगी। ये लंका शहर बॉयलर की वर्किंग है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्निश बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर में क्या रहता है, सिंगल ही ट्यूब रहती है, अकेली एक ट्यूब रहती है, और लंका शायर वॉलर में दो ट्यूब रहती है। अब उसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग रहती है, उसमें सेंटर से आएगी, ठीक है, फिर साइड से जाएंगी, साइड से जाने के बाद फिर बॉटम से आएगी, बॉटम से आने के बाद फिर ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये कॉर्निश बॉयलर का रहता है, लेकिन लंका शायर बॉयलर कॉर्निश बॉयलर से अच्छा रहता है, इसकी इफिशियंसी अच्छी रहती है, इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी अच्छा बॉयलर रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये बॉयलर जरूर समझ में आया होगा, इसकी माउंटिंग्स रहती है किस तरीके से, कौन कौन सी माउंटिंग्स रहती है, एसेसरीज रहती है और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।